जम्मू में 3 सीरियल ब्लास्टों के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कड़े सुरक्षा घेरे के भीतर राहुल गांधी की यात्रा आज सांबा पहुंची है और अब सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने सियासत भी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि बहुत सारे लोगों को यात्रा में शामिल होने से रोका गया। लोग यात्रा में आना चाहते थे लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों ने आने से रोक दिया। राहुल की पदयात्रा आज हीरानगर से शुरू होकर सांबा तक पहुंची है और कल वो जम्मू जिले में दाखिल होंगे। उससे पहले जम्मू के नरवाल और सिधरा में सीरियल धमाके हुए जिसके चलते राहुल का सुरक्षा घेरा और भी मजबूत कर दिया गया है। कई लेयर में जवान यात्रा की निगरानी कर रहे हैं। धमाके की जांच में जुटी NIA फुल एक्शन में है। घटनास्थल पर पहुंचकर NIA की टीम ने सबूत जुटाए और बारीकी से जांच की। LG मनोज सिन्हा भी सीनियर अफसरों के साथ मंथन कर रहे हैं। कुछ जगहों हमें देखने को मिला कल भी और आज भी, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं पर सिर्फ कहना चाहता हूं, कल भी मैंने देखा और आज भी मैंने देखा कुछ जगहों में लोग को आने नहीं दिया जा रहा था सड़क पर, पुलिस उनको पीछे ही रख रही थी। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं पर मैंने देखा कि कई लोग आना चाहते थे सड़क पर, स्वागत करना चाहते थे भारत जोड़ो यात्रा का, पर उनको पीछे धकेल दिया गया। जो हादसे हुए जम्मू शहर में, आप जानते हैं कि बम ब्लास्ट हुए एक के बाद एक, और एक भजालता में भी आईडी टाइमर ब्लास्ट था, और ये गंभीर चिंता की बात है कि इतनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद भी आतंकवादियों ने जम्मू शहर में, ये दूसरी वारदात है कि सिधरा में ही, यहाँ कल राहुल जी को रात को कैंप पे रुकना है, वहाँ पिछले दिनों 4 आतंकवादी जो है वो एनकाउंटर हुआ, और इस दौरान जब की यात्रा यहाँ है और उसके नजदीक ही कल 2 ब्लास्ट होना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चिंता का विषय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।